Hello students, I am giving a very important topic related to topic capacitor. मतलब संधारित्र में जो चैप्टर आपका है वैद्युत धारिता में परावर्तित पदार्थ, उस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, वो आपका जनरल भी ऐसे पूछ सकते हैं और इससे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि जैसे कोई संधारित्र है, कैपेसिटर है, और वो किसी सोर्स से पहले चार्ज किया गया है। किसी सोर्स से उसको क्या किया गया है, चार्ज किया गया है, एयर कैपेसिटर है, एयर कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर चार्ज विद अ सोर्स एंड देन डिसकनेक्टेड या डिटैच। यानी कैपेसिटर को क्या किया गया है, मतलब स्रोत से जिस तरह स्रोत से उसको आवेशित किया गया, चार्ज किया गया, उसके बाद उसको अलग कर दिया गया। तो जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम ले रहे हैं। ध्यान ही रखिएगा हमेशा कि जब कभी भी कैपेसिटर को हम चार्ज करने के बाद डिटैच कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं सोर्स से, तो उसके बाद जो संधारित्र पे जो आवेश रहता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। स्रोत से अलग करने पर, स्रोत से अलग करने पर संधारित्र पर आवेश अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन कैसे बनेगी, नंबर एक ही। अब वो पूछते हैं कि जो कैपेसिटर हमारा है, अब उसकी प्लेटों के बीच अगर हम परावर्तित पदार्थ भर देते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, प्लेटों के मध्य विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है पहले और अब में क्या अंतर होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे इस पे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे ध्यान से, ये हमारा एयर कैपेसिटर है और इसको हमने चार्ज कर रखा है स्रोत से, तो इसमें सबसे पहले हम इसकी धारिता निकालेंगे। के इसे लगा दिया कि हम इसकी प्लेटों के बीच में परावर्तित पदार्थ भर रहे हैं, तो जब भर देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, परावर्तित भर देने से संधारित्र की धारिता ये हो जाएगी। इसका मतलब जो धारिता आपकी होगी वो हमारी कितनी होगी, के टाइम्स, यानी कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर हम डायरेक्ट एक सब्सटेंस फिलअप कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहली बात हो गई। दूसरा हमने क्या बताया आपको कि चार्ज हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। पहली कंडीशन में क्यू इज इक्वल टू सी जीरो इंटू वी, ये पहली कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में क्यू हमारा वही रहेगा, अब हमने चूंकि डायरेक्टिक सब्सटेंस फिलअप कर दिया है तो सीके हो गया, और उसके बाद वी जो पोटेंशियल हमारा चेंज होगा वो फाइंड आउट करना है। सो हियर क्यू जो वैल्यू हमारी है वो किसके बराबर, सी जीरो इंटू वी के बराबर है। सी जीरो इंटू वी इज इक्वल टू सी के इंटू वी डैश, सो वी डैश इज इक्वल टू सी जीरो इंटू वी अपॉन सी के। अब यहां पर क्या होगा, सी जीरो हमारा क्या है, ऐसे ही रहने दीजिए इसको, और इंटू बी हो गया, और ये जो सीके की वैल्यू निकली वो क्या है, के टाइम्स ऑफ सी नॉट, तो ये सी नॉट और सी नॉट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब नया पोटेंशियल हमारा होगा वो क्या होगा, के टाइम्स कम हो जाएगा, वन अपॉन के टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि परावैद्युत पदार्थ पहले का कितना हो जाएगा, एक बटे के गुना हो जाएगा। प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होगा वो पहले का कितना हो जाएगा, एक बटे के गुना। न्यू पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वन बाई के टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस।
प्रारंभिक विभवांतर का 1/k गुना होगा। अब बात आती है कि इसकी वैद्युत क्षेत्र की आती, तो जो वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे हम लोग तो E=2 क्या होता है, V E = V/D। से प्रेशर हमने चेंज नहीं किया, जो हमारा कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है इसके बीच जो सेपरेशन है वो वही है, प्लेटों के बीच की दूरी, ये इनिशियल कंडीशन है, इसको भी मान लिया हमने। और जब हमने प्रायोगिक भर दिया है तो उस केस में क्या होगा, EK = VK/T हो जाएगा, ठीक है ना। VK की वैल्यू हमारी क्या है, VK की वैल्यू है V/KY/D। तो इस हिसाब से जो EK हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E0/K। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे विभवांतर हमारा घट गया तो विभवांतर हमारा पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, 1/K हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र भी पहले का कितना हो जाएगा, 1/K टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात आती है एनर्जी की, तो एनर्जी के लिए देखिए ध्यान से, अब एनर्जी के लिए आप इतना समझ ही रहे हैं कि चार्ज हमारा वही है, कैपेसिटर वही है, तो जो इनिशियल कंडीशन होगी इसको आप U0 कह सकते, तो U0 क्या होगा, ½ Q²/C0, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है जब इसको हमने चार्ज कर लिया है। और जब प्लेटों के बीच में हमने डायरेक्ट सब्सटेंस यानी पाएगा भर दिया है तो उस केस में क्यू हमारा वही रहेगा, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, C/K हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 Q², और इसके स्थान पर हो जाएगा C0×K हो गया, दिस 1/2 Q²/C इज दिस वन, सो UK = U0/K। तो इसका मतलब एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको समझना यह है कि संधारित्र हमारा आवेशित किया गया और उसको हमने बैटरी से अलग कर दिया, बैटरी से जिस सोर्स से हमने इसको आवेशित किया था उससे हमने अलग कर दिया है। तो अलग करने में क्या हुआ कि जो आवेश हमारा होगा संधारित्र की प्लेटों पर वो हमारा एज इट इज रहेगा। उसके बाद जब हम प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा, ठीक है ना, उसको आपने समझा, यानी परावैद्युत भरने से क्या धारिता होगी उसकी, क्या प्लेटों के बीच विभवांतर हो जाएगा, क्या वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, क्या आपका संचित ऊर्जा है इनमें से में क्या परिवर्तन होंगे, ये मैंने आपको जानकारी दी है इस वीडियो में। तो इसमें आप रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल अगर इसी से बनते हैं तो आप न्यूमेरिकल भी आराम से कर सकते हो कि पहले धारिता दे देंगे और कह देंगे उसमें जो परावर्तन दे देंगे नहीं इतना इतने परावर्तन का पदार्थ भर दिया गया है तो अब धारिता क्या होगी, आप कह देंगे विभवांतर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, संचित ऊर्जा क्या होगी, इन सभी में परिवर्तन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।